मैं हूं डैनियल रोबन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल Forever Tech। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूं टेंडा का 5 पोर्ट 10 to 100 Mbps डेस्कटॉप स्विच। तो दोस्तों शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग को। ये आता है 5 पोर्ट्स के साथ जिसमें कि आप चार डिवाइसेस को एक साथ चला सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की। तो ये सपोर्ट करता है स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल्स को, 10 to 100 Mbps ऑटो नेगोशिएशन RJ45 पोर्ट्स को और 10 to 100 Mbps फुल हाफ डुप्लेक्स को, वॉल माउंटिंग और डेस्कटॉप इंस्टॉलेशन आप कर सकते हैं और 1.0 GPS बैक प्लेन बैंडविड्थ को, ये इसके जो मेन फीचर्स और हाइलाइट्स हैं। और इसके बाद बात कर लेते हैं इसके पैकेज कंटेंट्स की। ये पैकेज में ये क्या देते हैं। पैकेज में आपको एक क्विक इंस्टॉलेशन गाइड मिल जाएगी, 5 पोर्ट आपको डेस्कटॉप स्विच मिल जाएगा जैसे कि वो तो मिलना ही है, और एक पावर अडॉप्टर मिल जाएगा। और ये कौन कौन से सिस्टम में चल सकता है, ये विंडोज़ 8 में चल सकता है, विंडोज़ 7 में, विंडोज़ XP में और लिनक्स और मैक सब में ये आराम से चल जाएगा। तो आपको इसके बारे में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों आप इसको चार डिवाइसेस में चला सकते हैं जैसे कि यहाँ पर इन्होंने दिया भी हुआ है कि आप लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर और कैमरा में चला सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको हम अनबॉक्स कर देते हैं। और दोस्तों ये रहा हमारा फर्स्ट हैंड्स ऑन 5 पोर्ट टेंडा स्विच। तो ये इसको हम अभी अनरैप कर देते हैं और इसके बारे में पूरी मालूमात आपको देते हैं। तो लेफ्ट साइड में आपको टेंडा की ब्रांडिंग मिल जाएगी और आपको LED लाइट्स मिल जाएंगी 1, 2, 3, 4, 5 तक। और जब आप इसको पकड़े तो काफ़ी स्मूथ फील होता है, काफ़ी स्मूथ प्लास्टिक से बना हुआ ये मटेरियल है। और इसके 5 पोर्ट्स थे और ये रहे इसका 2 होल जहाँ पर आप इसको वॉल पे माउंट करेंगे। बकाया ये जो स्पेसिफिकेशन दी गई है वो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब बारी आ जाती है नॉट द लास्ट बट द लीस्ट इसके पावर अडॉप्टर की। तो हम इसको इसके अंदर से निकाल लेंगे और इसके रैपर को हम रिमूव कर देंगे। और 5 वोल्ट 600 mAh का अडेप्टर, पावर अडेप्टर इसके साथ दिया गया है और साथ दी गई है क्विक इंस्टॉलेशन गाइड। सॉरी मैंने उसको उल्टा पकड़ लिया। तो ये एक क्विक इंस्टॉलेशन गाइड है, तो इसको पढ़ के आप इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका तरीका जान सकते हैं कि आपने इसको कैसे इंस्टॉल करना है। वैसे तो कोई पढ़ता नहीं है पर आप ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा ताकि आप इसको ईजिली इंस्टॉल कर सकें। तो दोस्तों चलिए जल्दी से इसको पावर ऑन कर देते हैं ताकि हम इसकी वर्किंग को देख सकें। और दोस्तों ये रही इसकी पावर प्लग, जो मेन पावर पॉइंट है जहाँ पर हमने इसको प्लग इन करना है। तो हम इसके जो पावर की केबल है उसको हम प्लग इन कर देते हैं ताकि हम इसको पावर ऑन कर सकें। और इसको अभी हम स्विच से ऑन कर लेते हैं ताकि हम इसको चेक कर लें ये कैसे ऑन होता है। तो अभी हमने लगा दिया और ये हो गया हमारा डिवाइस ऑन। और ये ग्रीन लाइट इंडिकेट अभी कर रहा है, मतलब कि ये ऑन हो चुका है। और ये इसके जहाँ पर आपने इंस्टॉल करें दो स्क्रू के साथ इंस्टॉल कर लेना है इसको। अब हम इसको नेटवर्किंग केबल के साथ लगा देंगे ताकि हम चेक करें कि कैसे काम मजीद करता है। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको सेटअप कर दिया हुआ है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि दूसरी LED लाइट नंबर 1 भी जल रही है और नेटवर्किंग केबल भी मैंने लगा दी है और उसके बाद ये अभी काम कर रहा है। और दोस्तों बात कर लेते हैं अब इसकी प्राइस की। तो जब मैंने ये ख़रीदा था ये मैंने 1000 rupees में ख़रीदा था। और दोस्तों जाते जाते मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें क्योंकि हमारा आज का वीडियो का लाइक टारगेट है 50 लाइक्स का। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये आपको अच्छी लगी होगी और आपको इससे फ़ायदा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में और देखते रहें फॉरएवर टेक।